उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपनी सनक के लिए जग विख्यात हैं। अमेरिका के लिए किम जोंग एक ऐसी मुसीबत बन चुके हैं जिससे अमेरिका हर हाल में छुटकारा तो पाना चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। किम जोंग की यही सनक जल्दी भारत के लिए चीन का कांट बन सकती है। मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उत्तर कोरिया का भी जिक्र हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद कहा था, मैं भारत के लोगों को अफगानिस्तान में जारी कोशिशों पर योगदान और नॉर्थ कोरिया शासन पर नए प्रतिबंध लगाने में हमारे साथ आने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। नॉर्थ कोरियाई शासन जबरदस्त तरीके की समस्याएं पैदा कर रहा है और इससे जल्द से जल्द निपटने की जरूरत है। भारत के लिए यहाँ है मौका। ट्रंप का ये बयान बताता है कि अमेरिका किम जोंग से बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है और वो हर हाल में किम जोंग पर एक्शन लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ चीन एकमात्र ऐसा देश है जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, जिस वजह से चीन और अमेरिका के बीच मतभेद हैं। अब अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर एक्शन लेगा तो भारत के पास चीन को काउंटर करने का मौका होगा, जो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। हालांकि ये एक ऐसा कदम होगा जिसे उठाने के लिए भारत को काफी संभल कर चलना होगा, लेकिन ये कदम चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए काफी अहम हो सकती है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।